गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज तहे दिल से आर्मिक और वेलकम कर रही है आज का मेरे न्यू व्लॉग में। तो ये मैं आपको कल नहीं दिखा पाई थी गाइस, अपना जो नाइट सूट मैंने यहाँ से परचेज किया है, ठीक है, ये मैंने यहीं से लिया है गुरुद्वारे के पास वाली जो मार्केट है वहां से। अब कितने का लिया है वो मैं आपको बताऊंगी तब जब आप मुझे बोलेंगे कि अच्छा है तो बता देना, और अगर किसी को चाहिए तो बता देना, मैं यहाँ से आती आती लेते आऊंगी गाइस, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी तक नहाई तो हूँ नहीं, मुझे कहीं जाना तो है नहीं, तो आराम से नहाएंगे, आराम से उठेंगे। एग्जॉस्ट फैन चल रहा है वॉशरूम का और ये खिना पड़ा है मेरा बेड, कोई बात नहीं, मैं भी साफ करवा दूंगी। ये पानी की बॉटल ऐसी इकट्ठी होती रहती है यहाँ पे और मैं यहाँ से पीछे से खोल खोल के बाहर फेंकती रहती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ओशन वाटर परसों भी एक बॉटल ली थी और कल भी लेकर आई थी, थोड़ा सा कभी कभार बीपी मेरा लो हो जाता है तो इसलिए। अपने कुछ वीडियो वगैरह पोस्ट कर रही थी अपने, और कुछ न्यू रील्स बना रही थी, है ना, इसी में बनाई है ना नाइट सूट में, तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है ना, नई नई चीज़ पहनो स्टार्टिंग में तो थोड़ा अच्छा सा लगता है, तो इसलिए। और क्या, और बस कुछ नहीं, थोड़ा एडिटिंग वगैरह करूँगी व्लॉग्स की, फिर आज कहाँ घूमने जा रही हूँ वो आपको बताऊँगी व्लॉग में, ठीक है। बने रहे आगे के व्लॉग में गाइस, एंड किसी के लिए कुछ लेकर आना यहाँ से बता देना कमेंट में, और जल्दी बता देना। मैं निकल जाऊंगी एक दिन में यहाँ से, पर ये व्लॉग है, आज 10 तारीख है, 10 तारीख का व्लॉग है, मे बी मैं 12 या फिर 13 को निकलूंगी, तो उससे पहले आई थिंक मैं पोस्ट कर दूँ इसको, तो बता देना आप, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने घर पे बात, अपने मायके भी और अपने ससुराल भी और अपने भाई के साथ भी। भाई मेरा जॉब करता है जलंधर में, और आज इसका बर्थडे था तो इसको विश भी कर रहे थे वीडियो कॉल पर, वैसे तो कर दिया था पहले भी, बट वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे कि क्या कर रहा है भाई क्या नहीं, और यहाँ पर वही गॉसिप चल रही है हम लोग की। बट ये जॉब पे था तो ये भाग गया कि चलो बाद में बात करूँगा, और यहाँ पे हम लोग सास दामाद और बेटी लगे हुए हैं गॉसिप करने, उनसे बातें करते करते मैं खाना भी खा रही हूँ। दुग्गल जी कहते देख ले कैसे पचर पचर करके खाई जा रही है, इन लोगों की चली हुई गॉसिप और मेरा चला हुआ खाना खाते खाते बातचीत, बस बातचीत करते करते फिर टाइम निकल गया, काफ़ी देर हमने बात करी, इसके बाद देखें आगे का ब्लॉग कंटिन्यू। गाइस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यू। तो नहा धो के तैयार भी हो गई हूँ, है ना, आज मैंने ये पहनी हुई है ट्राउज़र टाइप ऑफ, आजकल जो ट्रेंड कर रहा है ये मैंने यहीं से ली है मुंबई से, दिखाऊंगी आपको सामने शीशे पे। तो फिलहाल कुछ ही नहा धो के एकदम से फ्रेश हो रखी हूँ, जाना मेरे को कहीं है नहीं, निकलूँगी मैं शाम को ही बाहर, बट वैसे थोड़ा अच्छा लगता है ना फ्रेश होकर। खाना वाना मैंने खा लिया हुआ है ऑनलाइन ऑर्डर करके, और फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए सो रही हूँ, फिलहाल अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं गाइस, है ना। आज मैं बोतलों का ना यहाँ पे देखो भंडारा इकट्ठा कर दिया, भंडारा आपको भी दिखाई देती हूँ अपने ट्राउजर को, ये आजकल यही ट्रेंड कर रही है ना चीजें, अच्छा लग रहा है ना, यहाँ से ठीक है, यहाँ से ज्यादा कॉस्टली भी नहीं मिलती चीजें और फैशनेबल मिल जाती है, जैसा मुझे पसंद है हमेशा फैशनेबल। और टॉप तो ये मेरा पुराने वाला ही है, व्हाइट के साथ वाला टॉप है ना, और ये क्या बोलते हैं उसको, क्या कह रही थी मैं, हाँ वो जो व्हाइट वाला टॉप था आपने में देखा होगा लास्ट टू लास्ट व्लॉग में जिसमें पहना हुआ है, वो काफ़ी हद तक उसके दाग निकल चुके हैं, बट कल गलती से मुझसे नीचे गिर गया फ्लोर पे तो वापस से उसमें दागे दाग हुए पड़े, दिखाओ उसका क्या हाल कर रखा है, दिखाई दे रही हूँ यहाँ पे गिर गया कल, मतलब मैं चेंज कर रही थी तो अभी ये हाल होया पड़ा है इसका, यार इस टॉप पर तो नज़र लगी हुई है बाइक और किसी न किसी की। तो ये साची की मम्मा ने मुझे थोड़ा बहुत क्लीन करके दिया था, मतलब कुछ टेक्निक से कोई है वॉशिंग का कुछ था, एक पता नहीं क्या जिससे वाइट हो जाते हैं कपड़े, तो इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो गया था इसका, पहन के इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, आपने देखा भी होगा, बट मैंने वापस उसका कचरा कर दिया वो जाके वापस से उनको ही दूंगी धोने के लिए। तभी तो मैंने पिंक लिपस्टिक लगा रखी है, पर शाम तक भी लिपस्टिक मैं चेंज कर दूँगी क्योंकि सेम चीज़ों से मैं बोर हो जाती हूँ वाइस, है ना। चलो सोएंगे, और फिर रूम क्लीनिंग के लिए मैंने बोला हुआ अभी जस्ट मैंने फ़ोन किया था तो कह रहे आ रहे मैम, ठीक है अब मैं सोऊंगी तब ना आ जाए बीच में यार, चलो लेट्स सी। एंड देन गाइस सफाई गर्मी वाले भी आ गए थे मेरे सोने से पहले ही, मैं क्या चल ठीक है मेरी नींद ख़राब नहीं होगी, तो ये लोग अपना काम कर रहे हैं इतने मैं बाहर टहल रही हूँ, और ये लोग मेरा रूम चकाचक और मस्त बना के चले गए हैं, और मैं अब होंगी अब रेडी क्योंकि मुझे जाना है मूवी देखने को, ये तो मैं थोड़ी देर सोई आधा पौना घंटा, फिर उठ के रेडी होकर निकल रही हूँ अपने मूवी के लिए अपना रूम लॉक करके। एंड गाइस यहाँ पे मैं अपने एक फ्रेंड के लिए वेट कर रही हूँ जो कि अभी तक ना आई, वी मूवी का तो मैंने शो बुक कर लिया है 10:30 का,
जाएगा, बट मूवी मैं अकेले देख रही हूँ, कोई फ्री नहीं यहाँ पे देखने के लिए भाई। दोस्त मिला है, मैं कहा चल ठीक है मेरे साथ मॉल तो चल रहे, एटलीस्ट जहाँ पे चला मैं थोड़ी बहुत ही फोटोज क्लिक करवा दूंगी, वीडियो तो पता नहीं बनेगी कि नहीं। वो भी बड़ा रो पिट के आ रहा है, पता कब आएगा, पीछे 10 मिनट से मैं ऑटो भी लगी। तो वेट करते करते आधा घंटा वेट किया, फिर मुश्किल से मेरे भाई साहब आए, इसमें भी उन्होंने मुझे खाना पीना खिलाया और पतली गली से निकल गए, क्योंकि इनको कुछ काम था, ये म्यूज़िक कंपोज़र है तो इंडस्ट्री में काम रहते गए, इसलिए इन लोग का पहले ही फिक्स रहता है सारा शेड्यूल। और ये मैंने पूरी मूवी अकेले देखी, और ये इस मूवी को देख देख के मैं इतना पकी हूँ ना भाई साहब। इस मूवी का नाम है मलगांव एक्सप्रेस, जिसमें चलो ठीक है रेमो सर का मुझे अच्छा लगा, बट कोई और मूवी लगी नहीं हुई थी, तो इस मूवी को पता नहीं 3 घंटे मैंने कैसे टाइम पास किया है ना। तो बस ठीक है, बस इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ आज। कल के व्लॉग में आपको वापस मिलूंगी, और कल का व्लॉग देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और पेज पर भी फॉलो कर देना गाइस। ठीक है, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून, स्टे ट्यून विद योर कॉर, बाय।